10 things you should know before starting an internship. If you are a lawyer or a law student and you wish to start an internship in your early days, or you have completed your law and you want to start your internship under an advocate, so these are the 10 things you should know before starting the internship. सबसे पहले तो भाई आपको cause list देखनी आनी चाहिए. Cause list क्या होती है, जैसे हमारे जो भी matters listed होते हैं वो cause list में दिए जाते हैं. अब वो कॉज लिस्ट आपको ऑनलाइन में मिल सकती है, ऑफलाइन में मिल सकती है. ऑफलाइन अगर आप देखना चाहें तो आपको हर कोर्ट के बाहर डिस्प्ले बोर्ड होता है, उस पर आपको कॉज लिस्ट मिल जाती है. नहीं तो जैसे कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की कॉज लिस्ट देखना चाहते हैं तो आपको ई कोर्ट्स की वेबसाइट पर मिल जाएगी. अगर आप हाई कोर्ट की कॉज लिस्ट देखना चाहते हैं तो आपको हाई कोर्ट की वेबसाइट पर मिल जाएगी. और आप सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट देखना चाहते हैं तो वो आपको सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मिल जाएगी. इन सब के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. और बाकी मैं हर एक टॉपिक के ऊपर अपनी जो है डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ, क्या कैसे कहाँ कब क्यों हर चीज के लिए, हर एक टॉप में उसमें कोई चीज नहीं छोड़ूंगा. तो उनका भी लिंक मैं शायद डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो आप चैनल चेकआउट कर सकते हैं क्योंकि ये वीडियो पहले आ रही है, वो सारी वीडियोस बाद में आएंगी. तो भाई दूसरी चीज कोर्ट फीस. कोर्ट फीस के बारे में आपको पता होना चाहिए, कोर्ट फीस क्या होती है, कहाँ से मिलती है और कैसे आप ले सकते हो इसे. दूसरी आपकी वेलफेयर टिकट, जो एडवोकेट वेलफेयर टिकट होती है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, वो कहाँ से मिलती है, वो होती क्या है. और भाई स्टैम्प ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए. ये सारी चीज़ें जो फीस में ही आती हैं, आपको जो कोर्ट फीस है और जो स्टैम्प ड्यूटी है वो सेम काउंटर से मिल सकती है. लेकिन जो एडवोकेट वेलफेयर टिकट है वो आपको चैम्बर बिल्डिंग में कई जगह मिलती है, कई जगह आपका जो एडवोकेट्स ब्लॉक होता है वहाँ पर मिलती है. तो वही तीसरी चीज़ सर्टिफाइड कॉपी. सर्टिफाइड कॉपी के बारे में भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग एन इंटर्नशिप, क्योंकि जब आप किसी एडवोकेट के अंडर प्रैक्टिस के लिए जाएंगे या इंटर्नशिप के लिए जाएंगे तो वो आपको क्लैरिकल काम देंगे और उस क्लैरिकल काम में भाई सर्टिफाइड का बहुत बड़ा रोल होता है. जब भी आपकी किसी केस की हियरिंग्स हुई हैं, आपके एविडेंसेस हुए हैं, उनकी सर्टिफाइड कॉपीज लेनी होती हैं, कभी कभी पूरी फाइल निकलवानी होती है. सिविल अलग होती है, क्रिमिनल अलग होती है. इसके ऊपर पूरी डिटेल वीडियो बनेगी, कैसे आप फॉर्म ले सकते हैं, कैसे आपको फिल करना है, कैसे आप अप्लाई करेंगे, कैसे आप अलाउ करवाएंगे, सारी चीज़ों के ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा. तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं. तीसरी चीज़ हो गई भी आपकी ये सर्टिफाइड कॉपी. अब हम आते हैं चौथी चीज़ पे. चौथी चीज जो है वो है जी आपका वकालतनामा. वकालतनामा के बारे में भी आपको जरूर पता होना चाहिए. जब भी कोई एडवोकेट हायर करता है, कोई भी एक्यूज्ड या फिर पिटिशनर या फिर कंप्लेनेंट एडवोकेट हायर करता है तो एडवोकेट उनसे जो है एक वकालतनामा साइन करवाते हैं, जिसके बाद जो उनको पावर मिल जाती है एडवोकेट को कि वो उनका केस कंटेस्ट कर सकें, उनके केस में अपीयर हो सकें, तो उसके लिए वकालतनामा साइन करवाना जरूरी होता है. वकालतनामे के ऊपर भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो भैया अपनी पांचवी चीज पे आते हैं, मेमो ऑफ अपीयरेंस. मेमो ऑफ अपीयरेंस क्या होता है भाई? मेमो ऑफ अपीयरेंस है, जैसे मान लीजिए आपको किसी केस में अपीयर होना है और आप जो है ना तो एक्यूज से मिल पाए हैं ना कंप्लेनेंट से मिल पाए हैं, लेकिन आपको उस केस में आज अपीयर होना है, तो उसमें आपको देना पड़ेगा मेमो ऑफ अपीयरेंस. जहां पर वकालतनामा आपने फाइल नहीं कर रखा है या आप किसी कारणवश फाइल नहीं कर पा रहे हैं, वहां आपको देना होगा मेमो ऑफ अपीयरेंस. तो इसके लिए भी सब चीजों के लिए पर्टिकुलर वीडियोस बनाऊंगा मैं, एक एक क्या फॉर्म होता है, कहां से मिलता है, कैसे भरा जाता है, कैसे सबमिट करवाना होता है, सारी डिटेल्ड वीडियो बनेंगी. तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. छठी चीज पे आते हैं वही फाइल इंस्पेक्शन फॉर्म. देखिए ये चीजें क्लैरिकल वर्क में आती हैं, लेकिन ये चीजें एक एडवोकेट के लिए बहुत जरूरी हैं. जब आप प्रैक्टिस में आओगे, जब आप खुद की प्रैक्टिस करोगे तो स्टार्टिंग में भाई हो सकता है किसी का बजट इतना अलाउ करे कि वो भाई अपना जो है मुंशी रख ले, नहीं तो मोस्टली एडवोकेट्स से काम को खुद अपने आप ही करते हैं. तो ये चीजें आपको आनी चाहिए. जो फाइल इंस्पेक्शन फॉर्म होता है वो भरना होता है. जैसे मान लीजिए आपके पास कोई केस आया है, उसकी फाइल आपके पास है नहीं और आपको उस केस की फाइल जो है इंस्पेक्ट करनी है, तो आप कोर्ट से इंस्पेक्ट करोगे, उसको फाइल को देखोगे, तो उसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होता है, वो जज जो होनेबल कोर्ट होती है वहां से अलाउ करवाना होता है. ये सारी चीजें होती हैं. तो वो फॉर्म कैसे भरा जाता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए. तो उसके लिए भी आपको डिटेल्ड वीडियो मिलेगी इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. पीएफ प्रोसेस फीस क्या होता है, कैसे भरा जाता है, कैसे दिया जाता है. पीएफ जनरली क्या होता है, मान लीजिए किसी केस में आपके सम्मन होने हैं पार्टी को, तो उसके लिए जज साहब बोलते हैं कि जी आप पीएफ भर दो, पीएफ दे दो, तो हम समन्स या वारंट जो भी होते हैं समन्स इशू कर देंगे.
तो उस चीज के लिए आपको पीएफ देना होता है, किसी को फाइल भेजनी है, समन्स भेजने हैं, तो उसके लिए पीएफ होता है। पीएफ जो हमें सबमिट करना होता है अलमद साहब को, हॉनरेबल कोर्ट की जो उनसे रिलेटेड अलमद होते हैं, उन साहब को सबमिट करना होता है। वो आपको समन्स इशू करके देते हैं, फिर वो आपको बाई पोस्ट भेज देते हैं। तो सारी चीज़ होगी, डिटेल्ड वीडियो मिलेंगी, टेंशन मतलब किसी भी चीज़ की। आठवीं चीज़ पे आते हैं भाई, बेल बॉन्ड फॉर्म। मान लीजिए आपके सीनियर हैं, उन्होंने किसी की बेल करवाई है या आपने ही किसी की बेल करवाई है, तो उसके बाद देने होते हैं हमें बेल बॉन्ड कोर्ट में। तो वो बेल बॉन्ड कहाँ से मिलता है, कैसे भरते हैं, ये चीज़ें भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी भी डिटेल्ड वीडियो मिलेगी। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये आज वाली, ये सिर्फ आपका क्या है, इंट्रोडक्शन है, कि आपको पता चल जाए कि ये चीज़ें होती हैं। फिर इनकी डिटेल्ड वीडियो आप देखें, इट्स लाइक अ कोर्स, 11 वीडियो का कोर्स है ये इंट्रोडक्शन है, बाकी की 10 जो है वो डिटेल्ड आएंगी, तो उनको आप देखें। या फिर उससे पहले मैं अपलोड नहीं कर पाता हूँ तो आप किसी और का भी रेफरेंस ले सकते हैं। तो चलिए भाई, अपनी जो 9th चीज है उसके ऊपर आते हैं, एग्जम्पशन अप्लीकेशन फॉर्म या फिर एग्जम्पशन अप्लीकेशन फ्रॉम पर्सनल अपियरेंस। तो मान लीजिए आपका क्लाइंट है और आज उनकी जो है अपियरेंस है कोर्ट में, उनकी डेट लगी हुई है, लेकिन वो किसी कारणवश आ नहीं पा रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, आपको उनकी देनी पड़ेगी एग्जम्पशन अप्लीकेशन फ्रॉम पर्सनल अपियरेंस। क्यों देनी पड़ेगी, अगर भाई मान लो आप उनकी एग्जम्पशन अप्लीकेशन नहीं देते हैं, कई कोर्ट्स में ऐसा होता है जी ओरली अलाउ हो जाती है, कई कोर्ट्स में अप्लीकेशन आपको लगानी पड़ती है, और अगर आप नहीं देते हैं तो भाई सामने वाले के, आपकी जो पार्टी है उसके वारंट्स हो सकते हैं, बेलेबल भी हो सकते हैं, नॉन बेलेबल भी हो सकते हैं, मोस्टली केसेस में एनबीडब्ल्यू ही होते हैं नॉन बेलेबल वारंट्स। तो इस हैसल से बचने के लिए कि भाई पहले अगर मान लो एनबीडब्ल्यू हो गए तो फिर उन्हें कैंसिल करवाओ, उस झंझट में पढ़ने से अच्छा है आप पहले एग्जम्पशन अप्लीकेशन लगा दें। तो उसका भी एक फॉर्मेट होता है, वो मैं आपको सारा डिटेल्ड वीडियो में बताऊंगा। अपनी भाई 10वीं चीज, जो आप कहीं भी इंटर्नशिप स्टार्ट कर रहे हैं किसी भी एडवोकेट के अंडर, तो वो आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए, वो है वीसी हियरिंग। वीसी हियरिंग कैसे होती है, किस पोर्टल से होती है, आपको लिंक कहाँ से मिलेगा, कंसर्न जो आपकी कोर्ट है उससे आप कैसे जुड़ सकते हैं, ये चीजें। वीसी हियरिंग क्या होती है, जैसे मान लीजिए आप पर्सनली अपियर नहीं हो सकते कोर्ट में, आपके सेम डे दो डिस्ट्रिक्ट्स में मैटर लगे हुए हैं, जैसे मान लीजिए आपके दो कोर्ट्स में मैटर लगे हैं, एक रोहिणी कोर्ट में लगा हुआ है, एक तीसजारी में लगा हुआ है, और आपका जो ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है वो तीसजारी में, और आप तीसजारी चले गए तो आप रोहिणी कोर्ट का मैटर कैसे अटेंड करेंगे, तो उसके लिए आपके पास है राम माणेलाज वीसी हियरिंग। तो आपका मान लीजिए किसी कोर्ट में, रूम में अपना रोहिणी कोर्ट में अपीयरेंस है आपकी, तो उसका आप जो है वीसी आईडी ले लें, उसका जो मेल आईडी है वो ले लें, उनसे कनेक्ट हो जाए। मोस्टली जो अपनी वीसी मीटिंग्स होती हैं, वीसी हियरिंग्स होती हैं, वो वेबएक्स पे होती हैं। देखिए मैं जब इसकी डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं बिल्कुल खुल के बताऊंगा उनमें, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज की वीडियो में यही था भाई, ये 10 चीज़ें तो हैं जो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग एन इंटर्नशिप, और जो यंग लॉयर्स हैं उनको भी बिल्कुल पता होनी चाहिए ये चीज़ें, इनके बिना कुछ नहीं है भाई।